नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज आपको बताएंगे आखिर किसकी साजिश थी पंजाब में बेअदबी की घटना। पंजाब में विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना हो जाए तो सियासी पारा चढ़ना लाजमी है। पंजाब में सोमवार 20 दिसंबर को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोपी की हत्या का दूसरा मामला सामने आया है। कपूरथला में लोगों की भीड़ ने निशान साहिब की बेअदबी के आरोपी एक युवक को पीट पीट कर बेरहमी से मार डाला। उसकी हत्या तब की गई जब पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले जा रही थी। इससे पहले 18 दिसंबर को अमृतसर में बेअदबी के मामले में एक आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। इस बार उन्होंने लिंचिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, साल 2014 से पहले तक लिंचिंग नाम का शब्द सुनने में नहीं आया था, इसके लिए आपको धन्यवाद मोदी जी। दरअसल पंजाब में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मॉब लिंचिंग क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। भीड़ द्वारा किसी धार्मिक, रंग भेद, लिंग या जाति, भाषा या ऐसे किसी आधार पर किसी युवक की हत्या का कारण बन जाना मॉब लिंचिंग कहा जाता है। राहुल गांधी के लिंचिंग को लेकर मोदी सरकार पर हमला करने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी तो मॉब लिंचिंग के जनक थे, उन्होंने सिखों के खून से लथपथ जनसंहार को सही ठहराया था। बेअदबी का शाब्दिक अर्थ है अपमान, और जहां तक सिखों की बात है तो तीन बातों को मुख्य रूप से बेअदबी कहा जाता है। पहला है गुरु ग्रंथ साहिब या सिखों के पवित्र प्रतीकों का अपमान किया जाना। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहिब के रखने या स्थान को नुकसान पहुंचाना भी बेअदबी है। इसके अलावा सिख गुरुओं के बताए रास्ते को या इतिहास को बदलने की कोशिश करना भी बेअदबी ही है। पंजाब में बेअदबी को दो अर्थ वाली साजिश बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कहीं 2022 के लिए 2015 वाली घटना रिपीट ना हो जाए। उस वक्त बेअदबी की घटना के बाद पुलिस की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई थी। करीब 1.5 साल बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। नतीजा ये हुआ कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार दोबारा कभी सत्ता में नहीं आई। बेअदबी की ताजा घटना पर सियासतदानों की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। ज्यादातर नेता बेअदबी की घटना पर बयानबाजी के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC को ही फॉलो कर रहे हैं। सबके बयान एक जैसे हैं। साजिश की आशंका को देखते हुए SGPC ने अपने सभी गुरुद्वारा में पुख्ता सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सेवादारों को तैनात कर दिया है। बेअदबी जैसा कुछ ना हो इसके लिए गाँवों में स्थित गुरुद्वारों पर भी नजर रखी जा रही है। बेअदबी की कुछ बड़ी घटनाएं आपको बताते हैं। 1970 में निरंकारी मिशन के प्रमुख गुरबचन सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह की बताई परंपरा को बदलना चाहा। इसे बेअदबी माना गया। बाद में 1980 में गुरबचन सिंह की हत्या हो गई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को बेअदबी की बड़ी घटना माना गया। इस घटना के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। 2007 में गुरमीत राम रहीम ने गुरु गोबिंद सिंह जैसी पोशाक पहन ली, इसे भी बेअदबी माना गया और गुरमीत राम रहीम पर केस दर्ज हुआ। 2015 में फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी हुई। इस मामले में तनाव इतना बढ़ गया था कि 2 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। बेअदबी की इस ताजा घटना से कांग्रेस को क्या डर है ये आपको बताते हैं। दरअसल फरीदकोट के बहबल कला इलाके में अक्टूबर 2015 में बेअदबी का मामला सामने आया। पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के 110 पन्ने फटे हुए पड़े मिले। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। कई जगह से विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आने लगी। कुछ और जगहों पर भी बेअदबी की घटना हुई। इसके बाद पुलिस ने गोलीबारी कर दी, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। नतीजा ये हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की जो पार्टी थी वो सत्ता से बाहर हो गई। अब कांग्रेस को यही डर सता रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बहुत ही संभल कर बोल रहे हैं। मामले की जांच के लिए उन्होंने SIT का गठन भी कर दिया है। माना जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने SGPC की सहमति भी ले ली है। उनकी पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि बेअदबी के मामले में दोषी पाए जाने वाले को फांसी पर लटका दिया जाएगा। SGPC ने इस घटना के पीछे एक गहरी साजिश की आशंका जताई है। उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग के प्रमुख सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया है।
अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि ये कौम पर हमला है। वहीं पंजाब के भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने इस घटना की निंदा की है और कांग्रेस पर हमला बोला। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, हमारे सर्वोच्च और पवित्र तीर्थ सचखंड श्री हरमंदर साहिब में बेअदबी सबसे जघन्य अपराध है। इसके पीछे गहरी साजिश है। पूर्व सीएम ने इस मामले में पंजाब सरकार की खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम और पंजाब लोक कांग्रेस के संस्थापक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी की घटना की तीखी आलोचना की है। उन्होंने बादल की तरह पंजाब पुलिस या आईबी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। उनकी और भाजपा नेताओं की बयानबाजी मिली जुली नजर आई। कांग्रेस की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू तीखे बयान जारी कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से वैसी ही बयानबाजी की जा रही है जैसी 2015 बेअदबी मामले के बाद कांग्रेस की तरफ से उनकी सरकार के खिलाफ थी। बहरहाल बेअदबी के इस मामले का किस पार्टी को फायदा होता है और किसका नुकसान, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव ही बताएंगे। पर हमारी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।